श्री गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु हैं। सिख धर्म के लोग इन्हें नानक, नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह के नामों से संबोधित करते हैं। नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्व बंधु सभी के गुण समेटे हुए थे। उनका समाधि स्थल गुरुद्वारा ननकाना साहिब पाकिस्तान में स्थित है। आज यानी 22 सितंबर के ही दिन 1539 में नानक देव जी का निधन हुआ था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं जनहित टाइम। आज के इतिहास में हम आपको गुरु नानक देव जी की जिंदगी को करीब से बताने जा रहे हैं। 22 सितंबर 1539 को गुरु नानक देव जी धा को त्याग चुके थे। निधन के बाद करतारपुर के उनके निवास पर एक विवाद भी पैदा हो गया था। हिंदू शिष्य उनका दाह संस्कार करना चाहते थे और मुस्लिम अनुयायी उन्हें मुस्लिम रीति रिवाज से दफनाना चाहते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब निधन के कुछ देर बाद उनकी चादर हटाई गई तो वहां गुरु का शरीर था ही नहीं, बल्कि वहां कुछ फूल पड़े मिले थे। तब हिंदू और मुस्लिम दोनों ने वो फूल आधे आधे बांट लिए और उनका अपने अपने तौर तरीकों से अंतिम संस्कार कर दिया। अपनी 5वीं उदासी के दौरान ही गुरु नानक देव करतारपुर में ही रहने लगे थे। आज की तारीख का संबंध भी गुरु नानक देव जी से ही है। 15 अप्रैल 1469 को सुबह की रोशनी से पहले कालू बेदी की पत्नी तृप्ता ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे ने जन्म लेते ही दाई को हैरान कर दिया। माता पिता ने उसके भाग्य का पता लगाने के लिए एक ज्योतिषी को बुलाया। बड़ी बहन का नाम नानकी था तो बेटे का नाम नानक रख दिया गया। पूरा परिवार ननकाना शहर में रहता था। युवावस्था की दहलीज पर खड़े बेटे नानक को एक दिन पिता कल्याण दास जी ने 20 रुपए देकर व्यापार करने के लिए भेज दिया। रास्ते में बेटे को कुछ भूखे साधु मिले। फिर क्या था, बेटा उन साधुओं को नजदीक के गाँव में ले गया और पिता के लिए वो 20 रुपए ही भर पेट उनसे खाना खिला दिया। तब गुरु नानक देव जी की ओर से खर्च किए गए वो 20 रुपए से लंगर की ऐसी रीति शुरू हुई जो आज तक चलती आ रही है। 15वीं शताब्दी का वक्त वो दौर था जब भारत आक्रांताओं के हमले झेल रहा था। भारत की संपदा को लूटने की होड़ मची थी। लोग धन दौलत इकट्ठा करने के लिए बुरे से बुरा काम करने से भी परहेज नहीं कर रहे थे। तब भारत में नानक देव जी ने वंशकों का संदेश देकर बड़े छोटे, ऊंच नीच, अमीर और गरीब के भेदभाव को खत्म करने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। नानक देव जी ने जीवन में 5 उदासियां की। उदासियां यानी कि लंबी यात्राएं। इसी उदासी के दौरान वे अयोध्या भी पहुंचे थे। इसका जिक्र सिख धर्म के जानकार राजेंद्र सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की सुनवाई के दौरान भी किया था। अयोध्या फैसले की कॉपी में पेज संख्या 991 से लेकर 995 में सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का जिक्र किया गया है। एक तरह से ये प्रमुख आधार रहा जिसका संज्ञान लेते हुए अदालत ने माना कि बाबर के हमले से सालों पहले भी अयोध्या एक तीर्थ स्थल था और वहां पूजा पाठ भी हुआ करता था। सुनवाई के दौरान राजेंद्र सिंह नाम के वकील कोर्ट में पेश हुए थे। ये सिख इतिहासकार हैं और सिख साहित्यों के बड़े विद्वान भी हैं। उन्होंने सिख साहित्य जन्म साखी के आधार पर यह साबित किया कि गुरु नानक देव 1510 में भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। गुरु नानक देव जी ने साल 1510 से 1511 में अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन किया था। गुरु नानक देव साल 1507 में भद्रपद पूर्णिमा के दिन तीर्थाटन के लिए निकले थे। वे दिल्ली से हरिद्वार होते हुए अयोध्या पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस ओर ध्यान भी दिलाया कि जब उनका ये दौर हुआ तब तक बाबर ने भारत पर आक्रमण नहीं किया था। राजेंद्र सिंह ने सिखों के पवित्र साहित्य जन्म साखी का हवाला दिया था। यहाँ एक घटना का जिक्र करना बेहद जरूरी है और ये घटना निहंग सिखों से जुड़ी है। 30 नवंबर 1858 को अवध के थानेदार ने एक FIR दर्ज की थी। इसमें लिखा गया था कि 25 सिख राम जन्मभूमि में घुस आए और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह का हवन किया। इन सिखों ने जन्मभूमि की दीवारों पर राम राम लिख दिया और कई धार्मिक प्रतिक्रियाएं पूरी करने के लिए लंबी पूजा पाठ की। इस FIR की कॉपी आज भी खूब सर्कुलेट होती रही है। सिख धर्म की उत्पत्ति 5 शताब्दी पहले गुरु नानक देव जी से हुई थी। नानक एक हिंदू परिवार से थे। वे मुस्लिम पड़ोसियों के बीच बड़े हुए। कम उम्र से ही उनमें गहरी अत्याध्यात्मिकता दिखाई देने लगी थी। उन्होंने धार्मिक परंपराओं में हिस्सा लेने से खुद को दूर कर लिया था। नानक ने शादी की और कारोबार भी किया, लेकिन ईश्वर और ध्यान के प्रति उनका झुकाव बना रहा। आखिर में नानक एक यात्री बन गए जिन्होंने दुनिया भर में अनेक यात्राएं की। उन्होंने मूर्ति पूजा का बहिष्कार किया। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के 4 शिष्य हुआ करते थे। ये चारों शिष्य हमेशा गुरु नानक देव जी के साथ ही रहते थे। नानक देव जी ने अपनी लगभग हर उदासी इन चारों के साथ ही की थी। इन चारों के नाम थे मर्दाना, लहना, बाला और रामदास। मर्दाना ने गुरु जी के साथ 28 साल में लगभग 2 उपमहाद्वीपों की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने तकरीबन 60 से ज्यादा प्रमुख शहरों का भ्रमण किया। जब गुरुजी मक्का की यात्रा पर गए थे तब मर्दाना उनके साथ गए थे।
मक्का में गुरु जी की यात्रा से जुड़ी एक बेहद रोमांचक कहानी सुनने को मिलती है। जब गुरु नानक देव जी मक्का गए थे तो पवित्र स्थान की ओर पैर करके सो गए थे। इससे कुछ लोग काफी नाराज हो गए थे। गुरु जी ने उनसे कहा, आप मेरे पैर को उस दिशा में कर दीजिए जहां पवित्र स्थान ना हो। कहते हैं जब उनके पांव दूसरी ओर किए गए तो पूरा मक्का उधर घूम गया। ये देखकर सभी हैरान रह गए। हालांकि इस किस्से का कोई तथ्यात्मक प्रमाण तो नहीं है। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्य भाई लहना को उत्तराधिकारी बनाया, जो आगे चलकर गुरु अंगद देव जी कहलाए। वे सिखों के दूसरे राजगुरु माने जाते हैं। 22 सितंबर के इतिहास से जुड़ी अन्य घटनाओं के बारे में आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। 1711 में फ्रांसीसी सैनिकों ने रियो डी जनेरियो पर कब्जा किया। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध का संघर्ष विराम हुआ। 1979 में जमीयत ए इस्लाम के संस्थापक मौलाना अब्दुल अली मौदूदी का निधन हुआ। 2011 में मशहूर क्रिकेटर मसूर अली खान पटौदी का निधन हुआ। तो ये थे आज के इतिहास से जुड़े कुछ अहम पहलू। ऐसे ही इतिहास के अन्य पहलू के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।